अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। So the spiritual science is art of reason, art of action. दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, दुनिया को देखने की एक नई कला, जो ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को खुला कर देती है। समझना है, ब्रह्मांड के रहस्यों को, कोई धर्म संप्रदाय की बात नहीं है, जो रहस्य था वो खुला हो जाता है। आप समझे, आज धर्म बताते तो है कि तुम आत्मा हो, तुम चेतन हो, तुम अविनाशी हो, तुम शक्ति वाले हो, सब बताते हैं। फिर ये भी बताते तुम कमजोर हो, तुम्हारे में समझ नहीं है, तुम तो पापी हो, तुम तो दुख से भरे हो, तुम कुछ नहीं कर सकोगे, यही बताएंगे। या सुनो, तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, यही बताएगा। मैं कहता हूं नहीं, तुम कमजोर नहीं। और जो कमजोर दिखता है वो तो संयोग है, जिसका अंत हो रहा है करने का। जो कमजोर है वो तो शरीर का भी अंत होगा और संयोग का भी, और जो हम शक्तिशाली है इसका कभी अंत। तो क्यों इसको लक्ष्मी नहीं रखे, दोनों आपके सामने है, एक तरह कमजोर है और एक तरह शक्तिशाली है, तो हम शक्तिशाली को क्यों ध्यान में नहीं रखेंगे, बताइए मेरे को, और कमजोरी को भी ध्यान में रखेंगे? बोलते नहीं है। अगर ये शरीर और शरीर के संयोग कमजोर है, मैं मानता हूं, तो सामने आत्मा और आत्मा की अहम शक्ति भी है, एट ए टाइम है कि नहीं है? क्योंकि बार बार यहां क्यों चले जाते हो, इसको भी भूल जाते हो। फिर कहता है मेरे को चिंता होती है, डिप्रेशन होता है, क्यों? रॉन्ग विजन, रॉन्ग एप्लीकेशन, रॉन्ग थिंकिंग, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, रॉन्ग रियलाइजेशन, यही उसकी गड़बड़े, सब गलत है। कमी दृष्टि में है, कमी संयोग में नहीं है। किसमें है कमी? संयोगों में नहीं है। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान आर्ट ऑफ विजन दुनिया को देखने की नई दृष्टि देता है। समझ में आया, दुनिया तो वही रहेगी, शरीर भी वही रहेगा, संयोग भी रहेगा, उसको देखने की दृष्टि बदल जाएगी। वो आर्ट ऑफ विजन है, आर्ट ऑफ विजन वो दृष्टि से देखने की कला है, मन वचन काया को परिवर्तन करने की कला नहीं है। समझ में आया कि नहीं? और इसीलिए कई लोग ऐसे होते हैं, सच्चाई को नहीं समझ पाते हैं, तो फिर ऐसी उल्टी सुल्टी जवाब बोलते हैं, ज्ञानी को भी नाप लेते हैं, नाप समझते हैं, मेजर कर देते हैं। कई कहते हैं स्वामी जी तुम्हारी वाणी तो अहंकारी है, मेरा बड़ा अच्छा है, मेरी वाणी अहंकारी है, तो निरहंकारी व्यक्ति बोल सकता है इसमें? अहंकार है वो बोल सकता है? बोलने के लिए क्या चाहिए? इसमें अहंकार नहीं बोल सकता, कोई भी क्रिया कर सकता है निराकार? ऐसे भी लोग आते हैं, आप समझे क्या? ये कलयुग है, ये सत्युग नहीं है। और इसीलिए आपकी आपकी दिमाग के अंदर इतनी सारी भ्रांतियां पड़ी है, वो आसानी से जाएगी भी अगर मैं कड़क नहीं बोलूंगा तो। ये मेडिसिन है, आप समझे, मेडिसिन किसके लिए होती है?
जब खाते कैसे लगती है? ये समझ में आया, तो सिंपल बात है, सुनने में तो दिक्कत होगी आपको, मगर एक बार स्वीकार कर लिया विज्ञान को, मेरे को स्वीकार नहीं करना है, ये कुदरत के कानून को स्वीकार करना है, और एक बार स्वीकार करके उपयोग कर दिया, अनुभव आपको ही होगा, बोलते नहीं है कि मेरे को होगा। आप समझे, जब मैं कहता हूं दुनिया के सामने कि रामकृष्ण मौर्य भगवान नहीं थे, उसका मतलब यह है कि वो भगवान नहीं थे, मतलब भगवान नहीं, ऐसा नहीं है, उसके अंदर भगवान थे जो मोक्ष में गए, उनका शरीर तो जला दिया गया, तुम शरीर को भगवान मानते हो, वो अज्ञान निकालो, तो कहता है कमरे सरंज अहंकार है, बोलते नहीं है ये सनातन सत्य नहीं है, मामले को नहीं जलाया तो वो भगवान है, बोलते नहीं है। तो मैंने बताया मौर्य भगवान नहीं थे, उनके अंदर आत्मा है वो भगवान थे, पर वो मोक्ष में गए, तो बोला नहीं है तो अज्ञान नहीं है, ये तो धर्म की विरासत करता है, कहीं सनातन सत्य नहीं है, बोलते नहीं है कि नहीं है कि नहीं। तो मैं जब वास्तविकता बताता हूं तो लोग कहते तुम तो अहंकारी हो, तुम तो धर्म की निंदा करते हो, जब सच्चाई बताना ये भी क्या जुर्म है, क्या सच्चाई तो है ना, अगर मैं वही कहूंगा कि माई भगवान माई भगवान माई भगवान, तो तुम क्या मानोगे, उसको ही मानोगे, उसको ही मानोगे, फिर तुम सही भगवान को कब पहचानोगे, बताइए मेरे को, आज तक हर धर्म में यही हुआ है, जो विनाशी है उनको ही हमने भगवान कहा, जो नामी है जिसका नाश है उसको ही हमने भगवान माना, या सुन लो, जिसका जन्म मरण है उसको ही हमने भगवान माना, या सुन लो, जो टेम्पररी है उसको ही हमने भगवान माना, या सुन लो। तो ये गलती को निकालना पड़ेगा कि नहीं, और इसीलिए मैंने कहा भगवान अनामी होता है जिसका नाम नहीं होता है, भगवान अरूपी होता है जिसका रूप नहीं होता है, भगवान परमेन भगवान जन्म मरण से पर होता है, और भगवान परमेनेंट होता है, या सुन लो। तो अनामी अरूपी जन्म मरण से पर और परमेनेंट क्या हो सकता, कौन हो सकता है बताइए, कोई शरीर हो सकता है? तो इसीलिए मैंने कहा वो भगवान नहीं थे, उसके अंदर भगवान थे, और वो भगवान मोक्ष में गए जिसको हम शुद्ध आत्मा कहते हैं। अगर शरीर को भगवान मानेंगे तो शरीर मोक्ष में जाता है? नहीं जाता। जब सच्चाई बताता हूं तो कड़वी लगती है, नहीं समझ में आज नहीं तो कल सनात, ये जो बता रहा हूं ये सनातन सत्य है कि नहीं, कि मेरा सत्य है सनातन सत्य, सनातन आज नहीं तो कल ये सनातन सत्य को अगर आपको मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो स्वीकारना ही पड़ेगा, ये मेरा सत्य नहीं है, ये कुदरत का कानून है, किसका है आज नहीं तो कल स्वीकार करना पड़ेगा, उससे आगे बढ़ने का और कोई रास्ता नहीं। अगर आपको चार्टर अकाउंटेंट बनना है तो 12 घंटा 14 घंटा 15 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, खाना पीना सोना छोड़ना ही पड़ेगा, घूमना छोड़ना ही पड़ेगा, बोलते नहीं है या सुन लो। और तुमको कॉमन ग्रेजुएट पास होना है तो कोई नहीं, खाओ पियो आराम करो मजा करो, सिर्फ पास ही तो होना है, तो डिग्री पाना है तो फिर उसके लिए मैच्योरिटी बतानी पड़ेगी कि नहीं बतानी पड़ेगी, किसको रिलेटेड, जैसी एग्जाम वैसा रिजल्ट, अगर हायर लेवल की होगी तो रिजल्ट भी कैसा होगा, लाइक क्वालिफाइड होगा ना, अगर लो लेवल की एग्जाम होगी तो उनका रिजल्ट भी कैसा होगा, उनकी वैल्यू भी ऐसी होगी ना, आप समझे, तो इसे डिपेंड, अगर आपकी एग्जाम भी हायर लेवल की होगी तो रिजल्ट भी कैसा मिलेगा, हायर लेवल का तो आपका स्टेटस भी अपने आप हायर हो जाएगा ना, अपने आप ने एग्जाम पास किया अगर लो लेवल की थी तो रिजल्ट वही मिलेगा और आपका स्टेटस भी वही रहेगा, तो बात तो एक ही है, आपको आगे भी बढ़ना है और फिर कहता है कि हमको आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ भी नहीं करना है, दोनों बात कैसे होगी, बाल धर्म को छोड़ना पड़ेगा तभी ज्ञान धर्म समझ में आएगा, बाल धर्म को लेकर ज्ञान धर्म समझ में नहीं आएगा, बाल धर्म को छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि बाल धर्म की क्रिया को छोड़ देगा, मगर बाल धर्म की जो दृष्टि थी हमारे पुरुषार्थ वाली वो छोड़ देने का
और अभी ज्ञान धर्मों को दृष्टि में रखने का है पुरुषार्थ की, और बाल धर्मों की क्रिया वो तो प्रकृति करती रहेगी। यह सुन लो, अज्ञानी को भी खाना चाहिए, ज्ञानी को भी खाना चाहिए, विज्ञानी को भी खाना चाहिए, और केवल ज्ञानी को भी खाना चाहिए, और तीर्थंकर को भी चाहिए कि नहीं? तो उसमें कोई भेद होगा? भेद किसमें होता है? दृष्टि में। तो मैं किसकी बात करता हूं? और लोग क्रिया में ले जाते हैं। मैंने कहा बाल धर्म छोड़ने का मतलब क्रिया नहीं, दृष्टि को छोड़ना है। नहीं समझ गया? मन वचन काया तो वही क्रिया करती रहेगी जो उदय कर्म में लेकर आया है, मगर दृष्टि को तो मैच्योर करो। आज शादी किया है उस समय की मैच्योरिटी जो आप दोनों को, और 25 साल के बाद आपकी मैच्योरिटी, डिफरेंस कहां रहेगा? बाहर रहेगा कि अंदर? तो मैं किसकी बात करता हूं? और लोग समझते हैं भी शादी करते शादी करके जो खाना खाया था 25 साल पहले वही खाना आज खाना है, वही बनाएंगे आपको खाना है। प्रश्न दृष्टि की मैच्योरिटी का है, बाहर की अवस्था का। मगर लोग बाहर की अवस्था को मान लेते हैं। मैं क्या करूं? मैं बात बताता हूं दृष्टि की, और ये लोग ले जाते हैं एक्शन में, क्रिया में ले जाते हैं। यह सुन लो, मैं बार बार कहता हूं कि आध्यात्म विज्ञान को मन वचन काय की कोई भी क्रिया से कोई मतलब, करो या ना करो सब्जेक्ट ही नहीं है। हमारा सब्जेक्ट है आर्ट ऑफ विजन। आपका जो विजन है वो धीरे धीरे मैच्योर यानी परिपक्व होना चाहिए। जो रिलेटिव सत्य को मानते हैं वो धीरे धीरे सनातन सत्य को अपनाना चाहिए, समझना चाहिए। ये विजन की बात है, एक्शन की तो बात ही नहीं है। अगर मेरी प्रकृति की बात करूं, आज भी मंदिर जाता हूं, आज भी पूजा करता हूं, आज भी आरती करता हूं, वो तो प्रकृति की बात है ना। पर पहले भी ये सब क्रिया करते समय पुरुषार्थ मानता था, अभी कुदरती रत्ता मानता हूं, और पुरुषार्थ मानता हूं क्या कि ये कुदरत ये प्रकृति को मैं कुदरती का देखता हूं, ये मेरा पुरुषार्थ है। पहले आरती करना पुरुषार्थ था। नहीं समझ में आया? विजन चेंज हुआ, एक्शन चेंज नहीं हुआ। और जैसी दृष्टि वैसी कि जैसी क्रिया वैसी सृष्टि, बोलते नहीं है। अज्ञान को मिटाना है, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन को मिटाना है, मोहनीय कर्म को मिटाना है। यह दृष्टि है, क्रिया है। तो मोक्ष के लिए करेक्शन कहां करना है, क्रिया में या दृष्टि में? तो आया कि नहीं? इसमें क्रिया कहां किस में आ गई? मैंने ये कहा कि पूजा करना, आरती करना, उपवास करना, तप जप करना, यात्रा करना, पहले हम पुरुषार्थ मानते थे क्योंकि वो धार्मिक हमारी दृष्टि थी और पाप पुण्य की बात थी। अभी हमारी दृष्टि धार्मिक से आध्यात्म हो गई, अभी पाप पुण्य का प्रश्न नहीं है। सनातन सत्य क्या है? वो हमारा ज्ञान है, और व्यवहार सत्य है वो अज्ञान है। तो अज्ञान दृष्टि में रखने का नहीं है, क्रिया तो वही रहे, मगर वो क्रिया के समय हम सनातन सत्य की दृष्टि का उपयोग करेंगे, जो पहले व्यवहार दृष्टि का उपयोग करते थे, धार्मिक दृष्टि का उपयोग करते थे। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं? तो पहले हम यही क्रिया को पुरुषार्थ मानते थे क्योंकि पुण्य प्राप्त थी। अभी हमको मालूम हुआ कि हमको तो मुक्ति चाहिए, पाप भी नहीं चाहिए और पुण्य भी नहीं चाहिए, और ये पाप पुण्य दोनों अज्ञान से बनते हैं। तो अज्ञान को ही मिटा दो, क्रिया वही की वही रहेगी। अज्ञान को मिटाओगे कैसे? मिटाओगे सनातन सत्य से, और कोई रास्ता है? और वही मैं बताता हूं इतिहास में। आज 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे ऑफ अवर कंट्री, और इस आजादी के पर्व पर हम सब यहाँ आध्यात्म विज्ञान जो सभी प्रकार के अज्ञान से मुक्ति दिलाने का जिनका सामर्थ्य है, जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति दिलाने का जिनका सामर्थ्य है,
विज्ञान किसी मालिक की, किसी व्यक्ति की मालिकी का नहीं है। जो विज्ञान किसी ने बनाया नहीं है, जो था है और रहेगा, जो कुदरत के कानून पर आधारित है और 6 सनातन तत्वों के ऊपर आधारित है, ऐसा विज्ञान जो हर मुक्त पुरुष मुक्ति पाने से पहले ही अनुभव करता है कि आखिर ब्रह्मांड का रहस्य क्या है। ये रहस्य सभी प्रकार के रहस्य को यह आध्यात्म विज्ञान उजागर करता है, और यही विज्ञान को हम समझने के लिए हम सब यहां उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम आज इस विज्ञान के बारे में एक और पहलू को जानने की कोशिश करें। भारतवर्ष के अंदर सदियों से कई साधु संत और सन्यासी जो धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं, उनमें से किसी को भी कर्म कैसे बनते हैं, कर्म बनाने वाला कौन है, कर्म बनाने की प्रक्रिया क्या है, कर्म को मिटाने की प्रक्रिया क्या है, इनके पीछे पूरा साइंस क्या है, धर्म नहीं साइंस, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, कर्म बनने की टेक्नोलॉजी, ये रहस्य न किसी के पास था और न ही कभी कोई किताबों में से किसी ने पढ़ा था। और इसीलिए आज दिन तक भारतवर्ष के अंदर जो भी धर्म गुरु है, जो भी धर्म है, सभी लोगों ने यही बताने की कोशिश किया कि मन वचन काया ही कर्मों की भुगतान करते हैं और मन वचन काया की क्रियाओं से ही कर्म बनते हैं। यह सुन लो, यही बताया ना, अभी तक यही बताया ना कि कर्मों की भुगतान का साधन भी यह है और कर्म करने का साधन भी, और वो कर्म क्रिया से होते हैं, यही सुना था। हालांकि ये विज्ञान सही नहीं है, ये सिर्फ धार्मिक बातें है, एक व्यू पॉइंट है। क्या है ये? कोई सनातन सत्य या फंडामेंटल साइंस नहीं है। और ये साइंस की खोज ज्ञानी पुरुष दादा भगवान, जिन्होंने प्रतिष्ठित आत्मा की खोज करके हम सबको बताया कि कर्मों की भुगतान का साधन मन वचन काया है और नए कर्म बनाने वाला है प्रतिष्ठित आत्मा। एक ज्ञानी पुरुष दादा भगवान के नाम से जो प्रसिद्ध हुए, ये उनकी खोज है। और ये उनकी खोज बाहर तो निकली, मगर समझने वाले को, जिसको समझा रहे थे वो समझने वाला है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं तो आप समझने वाले, वो समझने वाले नहीं समझ सके। और इसीलिए उनके जाने के बाद प्रतिष्ठित आत्मा की बात ही कोई नहीं करता है, बोलते नहीं है। दादा भगवान ने एक साइंस बताया कि कर्म बांधने का काम प्रतिष्ठित आत्मा का है और कर्म की भुगतान करने का काम मन वचन काया का है, ये दोनों शब्द क्या हो गए? तो देयर इज नो कंफ्यूजन। मगर उसके जाने के बाद उनकी परंपरा में यह बताया गया कि प्रतिष्ठित आत्मा तो होता ही नहीं, तो फिर बात कैसे करेंगे? तो धीरे धीरे वो शब्द समाप्त हो गया। और कहीं सालों से कम 10 साल से मैं यही प्रयास कर रहा हूं
जो उनकी खोज है उनको मैं आगे ले जा रहा हूँ। ये कोई नई बात नहीं, उनकी खोज को भी क्या कर रहा हूँ, आगे ले जा रहा हूँ। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था विज्ञान कभी नया होता नहीं होता है, था है और इनको डिस्कवर कर सकते हैं, क्रिएट अनकवर कर सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते, बना नहीं सकते।